हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओलिगोसैचराइड्स। ओलिगोसैचराइड्स क्या होते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो कुछ फीचर्स हैं ओलिगोसैचराइड्स के, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये ओलिगोसैचराइड क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड ग्रुप है। तो फर्स्ट जो ग्रुप था वो कौन सा था, मोनोसैचराइड। तो अब ये कौन सा है, सेकेंड ग्रुप है। तो ओलिगोसैचराइड क्या होते हैं, तो दीस ये सैचराइड्स क्या होते हैं, वो बेसिकली ये दीस सैचराइड्स आर लेस स्वीट इन टेस्ट देन मोनोसैचराइड्स। तो ये क्या होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट। तो ये क्या होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस सोल्यूबल इन वाटर। क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, जबकि जो मोनोसैचराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर सोल्यूबल होते हैं। और इसी तरह दे यील्ड 2 to 10 मोनोसैचराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, जब इनको आयनाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये क्या करते हैं, 2 to 10 मोनोसैचराइड्स देते हैं। तो जो मोनोसैचराइड्स होते हैं वो जो इनको हाइड्रोलाइज हुआ तो क्या बनते हैं, 2 to 10 मोनोसैचराइड्स यूनिट बनते हैं। दे यील्ड्स, मैं नोट्स बना रहा हूँ, आप भी नोट्स बनाएं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। दे यील्ड्स 2 to 10 मोनोसैचराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो क्या बनते हैं, 2 to 10 मोनोसैचराइड यूनिट्स। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं ओलिगोसैचराइड्स के, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे जो दो बेसिक मेन टाइप्स हैं इसके, तो जो वो मेन टाइप्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट जो टाइप आती है वो किसकी आती है, वो डाइसैचराइड। और सेकंड जो इसकी जो वो टाइप आती है वो कौन सी आती है, वो आती है ट्राइसैचराइड। कौन सी आती है, ट्राइसैचराइड्स। तो अब डाइसैचराइड्स क्या होते हैं, डाइसैचराइड्स वो टाइप होते हैं ओलिगोसैचराइड्स के जो दो मोनोसैचराइड्स देते हैं जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो क्या करते हैं, दो मोनोसैचराइड्स देते हैं। तो द कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसैचराइड यूनिट्स, जब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह फॉर्म्ड होते हैं दो मोनोसैचराइड यूनिट के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइसैचराइड्स के, उनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड डाइसैचराइड्स के बीच में भी होता है और ट्राइसैचराइड्स के बीच में भी होता है। तो हम पढ़ेंगे डाइसैचराइड्स के बारे में अभी। तो द ओलिगोसैचराइड्स विच गिव्स टू मोनोसैचराइड्स आर कॉल्ड डाइसैचराइड्स। The oligosaccharides which gives two monosaccharides, डाई से क्या मुराद, दो डाई से। तो जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो दो मोनोसैचराइड्स यूनिट देते हैं, मोनोसैचराइड्स आर कॉल्ड डाइसैचराइड्स। और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो वो जो कभी भी जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बॉन्ड जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है। तो ट्राइसैचराइड्स क्या होते हैं, ट्राइसैचराइड्स होते हैं वो ओलिगोसैचराइड्स, जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो वो 3 मोनोसैचराइड यूनिट्स फॉर्म करें, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्राइसैचराइड्स। द ओलिगोसैचराइड्स which give 3 monosaccharides are called trisaccharides। trisaccharides। तो
अब हम उसको स्ट्रक्चरली पढ़ेंगे। दो मोनोसेचराइड्स, जैसे यहाँ पे दो मोनोसेचराइड्स को कंबाइन किया गया है, तो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज को कंबाइन किया गया और फ्रुक्टोज को कंबाइन है। जब हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मोनो, एक मोनोसेचराइड बनता है। तो इसी तरह जब हम इसी तरह एक दो और यहाँ पे मतलब ग्लूकोज और मोनोस उसको फ्रुक्टोज को कंबाइन करते हैं तो उनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6। इसी तरह फिर फ्रुक्टोज भी आएगा, स्ट्रक्चरली हम उसको ड्रॉ करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन, फिर इसके साथ आएगा हाइड्रोजन, फिर इसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन कार्बन, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप, एंड दिस कार्बन हैज ऑल्सो हैज हाइड्रोजन ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप। तो ये इसी इस कार्बन के साथ CH2 OH होगा और इसके साथ H होगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की कॉम्बिनेशन से, अब हम मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और इसमें भी सेम है, कार्बन HOCH2 और OH ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करने होंगे क्योंकि मतलब स्ट्रक्चर्स याद करने की चीज़ें होती हैं, CH2 OH, और उसी तरह इधर कार्बन आएगा और OH ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप एंड देन इधर से एक कार्बन आएगा, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप। तो अब ये फ्रुक्टोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, वन डाइसेचराइड बनेगा। दो मोनोसेचराइड्स जब कंबाइन होंगे तो डाइसेचराइड्स बनेंगे। अब देखो ये हाइड्रोक्सी, ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो इनकी बीच में जो लिंकेज होगी, ऑक्सीजन और उसके बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो लिंकेज होगी जब, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन थी इसकी। तो अब कुछ इम्पोर्टेंस हम इसके पढ़ेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ओलिगोसेचराइड्स के इम्पोर्टेंस क्या है। तो कुछ बेसिक इम्पोर्टेंस ये है कि, तो ये माल्टोस, सक्रोस एंड लैक्टोस आर फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट डाइसेचराइड्स। ये डिफरेंट है, माल्टोस है, सक्रोस है एंड लैक्टोस आर फिजियोलॉजिकली ये क्या हैं, डाइसेचराइड्स हैं। इसी तरह मोस्ट कॉमन डाइसेचराइड्स इज अ सोर्स केन शुगर, सक्रोस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, दीज टू आर इंक्लूडिंग रिलीज हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन शुगर्स। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सक्रोस इज C12H22O11। जो मोलिकुलर फार्मूला होगा सुक्रोज का वो क्या होगा, सुक्रोज की फॉर्म में होंगे और माल्टोज की फॉर्म में भी हो सकते हैं ग्लाइकोसेचराइड्स, और इसी तरह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब इनको फिजियोलॉजिकली ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो माल्टोस को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो क्या बनेगा, एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो इसी तरह तो इसका फार्मूला क्या है, इसका माल्टोस का फार्मूला, सक्रोज का फार्मूला, सॉरी, C12H22O11। सो ये तमाम लेक्चर जो था वो ओलिगोसेचराइड्स के बारे में था। तो अगर आपको, आपने कुछ गेन किया इस वीडियो से,
तो शेयर करें मेरे इस लेक्चर को और काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल बायोलॉजी का। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।